हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई लेडीज या फिर कोई महिला माँ बनती है तो उसकी वजह से पूरी बॉडी काफी हद तक टूट जाती है, जिसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने में उसे काफी ज्यादा समय लग जाता है। कम से भी कम 2 से 6 महीने का समय एक महिला को लग जाता है वापस अपनी बॉडी को दोबारा से अच्छे तरीके से स्वस्थ बनाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है तो कितना स्ट्रेस और कितनी खुशियाँ उसके हिस्से में आती हैं? शोधकर्ताओं का कहना है और यह मानना भी है कि जिस महिला की 4 से ज्यादा संतान होती है वो उसके स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा अच्छा होता है। आपको सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सरकार भी यही नियम लागू कर सकती है कि हमें अपने परिवार में 1 या 2 ही संतान को रखना चाहिए। आगे जाकर हमें बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज्यादा संतान ना हो। इस महंगाई के जमाने में हम अपने 1 या 2 बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर सके और जनसंख्या को बढ़ाने में भी हमारा हाथ ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4 से ज्यादा संतान जिस भी माँ के पास होती हैं, उसका स्वास्थ्य उन माँ के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है जिसके पास केवल 1 या 2 संतान होती हैं। ये बात सुनकर मुझे भी काफी हैरानी हुई थी। कैलिफोर्निया, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? मेन और सिंपल सा लॉजिक है तनाव। जब भी हमारे पास 1 से 2 संतानें होती हैं तो लाइफस्टाइल को सेट करने में, उनकी परवरिश को सेट करने में, क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उनकी शादी कैसे करनी है, बच्चे कब होंगे, ये सारी चीजें हमारे माइंड में काफी अच्छे तरीके से सेट हो जाती हैं। और जब ये चीजें सेट होती हैं तो इसकी वजह से कभी कभार हमें तनाव भी होने लगता है। आपने अक्सर सुना होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, लेकिन छोटे परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े भी उतने ही होते हैं जितनी ही फैमिली छोटी होती है। लेकिन उसी के साथ साथ जो फैमिली बड़ी होती है, जिसके अंदर संतानें ज्यादा होती हैं, उसके अंदर माँ बाप के अलावा भी आपको सेकंड मदर और सेकंड फादर अपने बड़े भाई या बहन के रूप में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से माँ की जिम्मेदारी काफी हद तक कम हो जाती है। वो अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर पाती है, अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को सेट कर पाती है और उसे खुद के लिए भी थोड़ा समय मिल जाता है। और इसी के चलते उन महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक का खतरा। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।